रही है। ये देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी, अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिंगर्स बनाना शुरू करते हैं। पोहे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने 1 कप पोहे लिए थे, इन्हें मैंने साफ पानी से 2-3 बार धुल लिया है। देखिए पोहे अच्छे से साफ हो गए हैं और हल्के से फूल भी गए हैं। अब इसमें हम उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू मैश कर लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे। 1/2 कटोरी दही ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे, कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, इन्हें भी डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर कलर लाने के लिए, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इनको फिंगर्स का आकार दे देंगे। ये मैंने थोड़े से फिंगर्स बना लिए हैं, बाकी के फिंगर्स बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हम फिंगर्स को फ्राई कर लेते हैं। देखिए फिंगर्स में कलर आ गया है, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ऐसे ही हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। ये मैंने सभी फिंगर्स फ्राई कर लिए हैं, अब इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए पोहे के एकदम क्रिस्पी टेस्टी फिंगर्स बनकर तैयार हैं। इन्हें आप लोग शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या आपका जब भी मन करे इन्हें बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिंगर्स का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।